वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई नेम इज़ जसदीप कौर, पीपल नो मी बाय द नेम ऑफ कैनी गोगी ऑल्सो। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग कोच। टूडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज़ बाय भगत कबीर जी इन राग गौंड अंग 871 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। Today's Hukamnama is a beautiful distinction of why it is important to be detached from the worldly possessions. Enjoy the possessions, whatever you have, but at the same time be detached with that. Through this Hukamnama, we'll understand it why. There's a beautiful world beyond that which we could never imagine. So just be with me and visualize. Picture your day as a treasure hunt for moments of joy rather than pursuit of possession. Swap the chase for the latest gadgets with the quest for memorable experiences. Instead of being shackled to material craving, dance freely in the rhythm of gratitude, celebrating each sunrise and sunset as priceless treasures. Sprinkle your day with acts of kindness, creating ripples of joy that light up the world around you. Embrace the adventure of life, knowing that richness lies not in what you have, but in the depth of your being, in the depth of your heart. So embrace this change. Don't get attached to these worldly possessions. Remain yourself detached. At the same time, enjoy the priceless treasures we have: sunrise, sunset, greenery. So many things are free, all good things are free in this life. So this is what today's Hukamnama is all about. Let's read it. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Gaun Khasam Mare Tau Naar Na Rove, which means when her husband dies, the woman does not cry. Now woman here is the worldly possessions, all those materialistic things you have. So when the person completes his or her life journey, the possessions, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पैंता, पोजेशंस नू की फ़र्क पैंता, वो किसी दूसरे को चलिया जाए ने उस रखवाला और होवे, विच मीन समवन एल्स बिकम्स हर प्रोटेक्टर। तो उस जो पोजेशंस ने उसका प्रोटेक्टर कोई होर बन जाता है। आज जो चीज़ साढ़े को कल वो किसी होर को होगी, जब जो चीज़ कल किसी होर को उस तीसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। सो रखवारे दा रखवारे का होए विनाश व्हेन दिस प्रोटेक्टर डाइज, उसका भी जो खत्म हो जाता है वो भी आगे नरक ईहा भोग विलास, विच मीन्स ही फॉल्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ हेल हेयर आफ्टर फॉर द सेक्सुअल प्लेजर्स ही एंजॉयड इन दिस वर्ल्ड। एक सुहागन जगत प्यारी, विच मीन्स द वर्ल्ड लव्स ओनली वन ब्राइड माया, द होल वर्ल्ड जस्ट लव्स वन थिंग दैट इज़ माया। वो ही असं अटैच होए रहने पूरी जिंदगी। सगले जी जंत की नारी रहाओ, शी इज़ द वाइफ ऑफ ऑल बींग्स एंड क्रीचर्स। सो द पिटफॉल इज दैट माया इज द वाइफ ऑफ ऑल बींग्स। अज एक को ले कल दूसरे को चली जाएगी, कल परसों तीसरे को चली जाएगी। सो द की इज टू बी डिटैच, इंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर्स, वट एवर यू हैव पोजेस्ड, बट एट द सेम टाइम रिमेन डिटैच विद दिस। This is the key to live a beautiful and fulfilled life. So आज इस नूं अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट करते हैं। जो भी तुहाडे कोल हैगा, वॉट ऑल पोजेशंस यू हैव, इंजॉय दैम, यूज दैम, बट एट द सेम टाइम रिमेन डिटैच। यह नहीं होना चाहिए कि कल अगर वो साढ़े कोल नहीं हैगे या उन्हां दी कुछ काट हो गई है किसी पासे, तो असी उस नूं अपने दिल नाल लगा लईए। इसी करके तरह तरह दे डिजीज़ हुंदियां ने, क्योंकि असी माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन हुंदा है ना, और असी चीज़ों को अपने दिल ना लगा लें कि साढ़े को किसी चीज़ की कमी है। वी पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्स विद अदर्स, थाली में लड्डू वड्डा क्यों है। सो जस्ट रिमेन डिटैच्ड विद दिस, एट द सेम टाइम इंजॉय दैम। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हुक्मनामा बाय भगत कबीर जी। आज इसको तुसी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो फिर दसो कि वट डिड यू गैट, शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद मी। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।